महाराज की जय हो। कहो मंत्री जी, क्या संदेश है? महाराज, द्वार पर ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हैं और दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। तो जाइए, उन्हें आदर से दरबार में लाइए। कैसी आज क्या महाराज? ऋषि राज के चरणों में दशरथ का प्रणाम। आयुष्मान हो। कहिए महाराज। मणिराज, आपका स्वागत है। कहिए महात्मन, कैसे आगमन हुआ? आप हमें ही बुला लेते। हमारे लिए अब क्या आज्ञा है, आप ये बता दीजिए। हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञिक यदि उनसे युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनवा लेना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुल लाया और घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। क्या मन? हे राजन, तू अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पूर्ण सूर्यांश, कल्याण हर्ष उन दोनों को। नहीं मुनिवर, नहीं मुनिवर, यह आप क्या कह रहे हैं? वह दोनों तो बालक है, बच्चे हैं, नादान निरे। रण विद्या वो नहीं जानते हैं, लड़ने से अनजान निरे। लो राजपाट संपत सेना, ये देना मुझे दुश्वार नहीं। कहो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कोई दुश्वार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है। जो शासन सारे पर प्रभु विचार करके कहो, बच्चे हमारे चौथे बन गए हैं। वैसे तो चारों ही मेरी आंखों के तारे हैं, पर राम और लक्ष्मण मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख दाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। घर की वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। हे दशरथ, दशरथ तू जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी उलझन। कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता चल देता छोड़ करुण वाहन, शंकर से विनती करता हिल जाता उसका भी आसन। मांग भी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख तुझे हुआ, दुख मुझे हुआ, जो इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ। नहीं महात्मन, मेरा ये तात्पर्य नहीं था। ठहरिए ठहरिए मुनिराज, ठहरिए। हे राजन, यह योगीराज बड़े ही विचारशील मुनि हैं। आप अपने पुत्रों को इन्हें सौंप दीजिए, यह उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा में निपुण करके सकुशल ही आपके हवाले वापस कर देंगे। जैसी जैसी आज्ञा गुरुदेव। हम मुझे कोई सोच नहीं, ना ही कोई संताप। मुनिवर, दोनों पुत्रों के हुए रक्षण आज से आप। मंत्री जी, राम और लक्ष्मण को दरबार में लाइए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही। राम देते
नहीं बनते गुसाई, राम देते नहीं कहानी से चारे अति गोर कठोरा, कहानी से चारे अति गोर कठोरा, कहा सुंदर सुते परम किशोरा, कहा सुंदर तभी वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, न संदेश नाश कहा पावा, न संदेश गुरु जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो, चिरंजीव रहो पिता श्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो, चिरंजीव रहो चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो, चिरंजीव रहो पुत्र पिताश्री के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार, चिरंजीव रहो पुत्र पुत्र ऋषि राज के चरणों में भी प्रणाम कीजिए, ऋषि राज के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो, चिरंजीवी रहो पुत्र ऋषि राज के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो, आयुष्मान भव हे पुत्र राम, ये ऋषि विश्वामित्र हैं, इन्हें जंगलों में कुछ राक्षस बड़ा सताते हैं, जाओ इनके साथ, इनके साथ सेवा में जाओ, ये तुम्हें शस्त्र विद्या भी सिखाएंगे और तुम्हें इनकी पूरी तरह सेवा करनी है। नमस्कार गुरुदेव, मम पूज्य पिता प्रणाम, साथ तन मन सहित आज ऋषि के काम, लो हाथ में हाथ नाथ हाथ इनका, ये दोनों भोले भाले हैं गुरुवर, ये फिकरा हमेशा याद रहे, मेरे बड़े नाजो से पाले हैं, निश्चिंत रहो राजन, जिस तरह मैं इन दोनों को लेकर जा रहा हूँ उसी प्रकार मैं इन्हें तुम्हें सौंप कर जाऊंगा।